हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ्स की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपलीफिकेशन के इस टाइप के क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम भी रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चन की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आप उस शॉर्ट ट्रिक को देखने के बाद में क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 सेकेंड में ही दे देंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये ट्रिक समझ में आ जाए तो बस लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं रीजनिंग, मैथ, जीके की ट्रिक वीडियोस और डेली वीडियोस मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आपके पास आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इससे पहले जितनी भी मैथ्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए, इन क्वेश्चंस को जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करते हैं, ठीक है? यानी कि इनको पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। और उससे भी पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी वैल्यूज आपको इस तरीके से दी होगी 2/3 के बटे में आपके 3/4, यानी कि फ्रैक्शन के बटे में जब फ्रैक्शन होता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, 2/3 के बटे में क्या 3/4, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई? जो बाहर की वैल्यूज़ है, जैसे 4 और 2, ये दोनों बाहर की वैल्यूज़ है और 3 अंदर की वैल्यूज़ है, तो बाहर की वैल्यूज़ का बाहर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर की वैल्यूज़ का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो ऊपर लिखेंगे 8 और 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो नीचे लिखेंगे 9। तो आपको समझ में आ गया होगा जो इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यूज़ जो बटे में होती हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि इनका ही यूज़ करके मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, ठीक है भाई? तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे 2 - 1/7 के बटे में क्या है 9, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि 1/7/9 के बराबर लिखा है मतलब यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे तो ऊपर वाले कुछ नहीं होता, मतलब ऊपर तो 1 ही है। तो ऊपर दोस्तों अगर 1 है तो आप इस 1 के नीचे एक 1 लगा लेंगे, ठीक है? मतलब एज्यूम कर लीजिए, करना कुछ नहीं है ऐसा, आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना है, बट समझिए पहले, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं ना तो ट्रिक भी याद रहती है, फिर लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1/7/9 लिखा है, तो यहाँ पे एक एक को आप मानेंगे कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो जब भी किसी जो मतलब पूरा आपका कोई कंप्लीट नंबर लिखा होता है उसको फ्रैक्शन में बदलना होता है, उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब देखिए, 1 मान लिया तो इसका मतलब 7 की 7 में हो जाएगी और 9 की 9 में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9/7। अब देखिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, अब इतना अगर आप समझ गए तो सीधा सीधा आपको 9 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी थी, तो कितना हो जाएगा 2 - 1/7, सॉरी, ठीक है, सॉरी 9, ये क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा 1 में, तो 2 - 9/7 ही हो गया। तो अब आपने देखा तो मैं इसको अब पूरा जो ऊपर का बचा हुआ है और ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/3 + 1/9, 2 - 9/7, मतलब ये हमारा बन गया भाई, ये 9 ऊपर चला गया तो ये आप 9 का यहाँ से हट जाएगा, इतना आपका बच गया, ठीक है? अब इसको सोल्व करते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 2 = 14 और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे मैं इस इतने को सोल्व करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 5/7, ये लिख सकता हूँ, और बाकी का ऊपर ऐसा का ऐसा ही आपका सेम है। बस समझते रहिए, कहीं पे भी कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? और अभी तो ट्रिक स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी ट्रिक स्टार्ट नहीं हुई है तो टेंशन मत लीजिए, समझ में नहीं आया तो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो ट्रिक में फिर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने 2 - 9/7 जो लिखा था, 7 × 2 = 14, 14 में से 9 माइनस किया तो क्या बच गया 5/7 बच गया। अब नीचे वाले को मत भूल जाना, 5/7 जरूर लिख लेना। फिर आपने देखा कि 3 + 1/5/7 लिखा है भाई, अब आपका जो क्या हो गया इसको सोल्व करने के बाद में क्या मिला 5/7, तो 3 + 1/5/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + 7/5, ये 7 यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका 1/3 + 7/5 ये बच जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 5 + 15 = 22, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने के बाद में क्या लिख सकता हूँ 22/5, तो 1/5 क्या लिखा है 22/5 और 5 फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5/22, ठीक है? अब देखिए 5/22 में आपको 17/22 भी तो प्लस करना है क्योंकि प्लस में लिखा है, तो बस 5/22 में 17/22 और प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। देखिए, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं और नीचे वही आपका एलसीएम हो जाता है, तो 22 नीचे आ जाएगा और ऊपर 22, तो 22 से 22 जाएगा तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो इतना बड़ा ये आपको लिखा हुआ मिला था इसका पूरे का मतलब है 1। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट वाइज, अगर आपको ये आता था पहले तो इसको आप छोड़ दीजिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझिए।
देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, आप खुद बताना कि कौन सा आपको इजी मेथड लगा। इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले कॉन्सेप्ट से ही करते हैं भाई। कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्या होगा, इसमें आठ एकम आठ और एक नौ, इस इतने को सोल्व करेंगे, क्योंकि इतने इतने को सोल्व करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आठ एकम आठ और एक नौ, तो नौ बटे आठ हो गया, तो आप वन अपोन में टू प्लस वन अपोन में नाइन, यानी कि आपका इतना बच गया। जब आपका यहाँ पे नौ इसकी जगह नौ बटे आठ लिख देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू प्लस वन अपोन में नाइन अपोन में एट, ये वाला बच जाएगा। दोस्तों समझ रहे हो ना। अब फिर इसको दोबारा से सोल्व करिए, अब ये एट आपका यहाँ पे चला जाएगा, एट यहाँ पे जाने के बाद में आपका कितना बन जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एट जाने के बाद में जब आप यहाँ पे एट लिख देंगे तो यहाँ से एट हट जाएगा, तो नौ दुनी अट्ठारह, अट्ठारह और छः छब्बीस, तो इसको मैं छब्बीस बटे नौ लिख सकता हूँ। फिर छब्बीस बटे नौ है दोस्तों किसके बटे में, एक के, तो नाइन ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, नौ बटे छब्बीस आपका राइट आंसर। अब ये भी आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं ट्रिक पे, अब आएगा मज़ा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज आ गई है एनटीपीसी के लिए और जेई के लिए, और ग्रुप डी के लिए जल्दी आ जाएगी। और देखिए इस टेस्ट सीरीज का प्राइस था 149, बट टॉपिक स्टडी के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मिलेगी ये 1109 119 में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस कोड का यूज नहीं करते हैं तो आपको इतने में ही मिलेगी, अगर आप सौरभ मलिक SPL का कोड का यूज करते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज इतने में मिलेगी। इसमें आपको सभी हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे से फेसबुक या कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे पूछते हैं। चलिए अब देखिए वही क्वेश्चन है, एक बटे में टू प्लस वन अपोन में प्लस वन अपोन में एट, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, ये क्या लिखा है, वन प्लस वन अपॉन में एट, तो इस वन अपॉन एट को लिखिए वन और एट भाई। अगर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पहले क्वेश्चन में समझ में ना आए तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनमें 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए वन और एट आपने लिख लिया, और कितने स्टेप है, वन है टू है, वन वाले स्टेप में कितना है, वन प्लस होना है, दूसरे वाले स्टेप में टू प्लस होना है, तो आप ये टू पॉइंट इसके आगे लगा लीजिए। यानी कि आपने क्या लिखा भाई, सबसे पहले आपने लिखा वन और एट, ठीक है, उसके बाद आपने दो पॉइंट आगे लगाए, क्योंकि हमारे दो स्टेप है, वन टू, दो स्टेप है, और पहले स्टेप में आपका कितना प्लस हो रहा है, वन, और दूसरे स्टेप में आपका टू प्लस हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में वन प्लस हो रहा था, एट प्लस वन तो नाइन आपने लिख लिया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपको टू प्लस करना है तो नाइन की मल्टीप्लाई आपको टू में करनी है, तो नौ दुनी अट्ठारह और अट्ठारह आठ छब्बीस, तो यहाँ पे छब्बीस, तो नौ बटे छब्बीस आपका राइट आंसर आ गया भाई। फिर से मैं बता देता हूँ भाई, आपने सबसे पहले जो लास्ट में लिखा होता है, लास्ट में जो फ्रैक्शन लिखा होता है, जो सबसे लास्ट में फ्रैक्शन होगा उसको लिखना है आपको वन और एट, यानी कि जो ऊपर लिखा है उसको पहले लिखना है और जो नीचे लिखा है उसको दूसरे नंबर पे लिखना है। उसके बाद आप स्टेप देखें कितने स्टेप में क्वेश्चन है, वन टू, टू स्टेप में क्वेश्चन है, दो पॉइंट लगा दीजिए, आपने एक पॉइंट लगाया दो पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा पहले स्टेप में तो वन प्लस हो रहा है, दूसरे स्टेप में टू प्लस हो रहा है, तो पहले स्टेप में वन प्लस करेंगे, दूसरे स्टेप में टू प्लस करेंगे, ठीक है। तो आठ एकम देखिए जो वन लिखा है ना प्लस करने वाला मतलब, तो इसमें वन की मल्टीप्लाई करिए यानी कि एट में, तो एट वन जा एट, एट आ गया प्लस वन कर दीजिए तो कितना हो गया नाइन। फिर नौ दुनी अट्ठारह, दो में करेंगे और प्लस आठ कितना हो गया छब्बीस। अब देखिए जो आपका नौ और छब्बीस है, आपने क्या लिखा था, पहले ऊपर वाला पहले नंबर पे और नीचे वाला दूसरे नंबर पे, तो आपको क्या लिखना है, ऊपर नौ ऊपर लिखना है, पहले नंबर वाला यानी कि जो लास्ट में दो बचेंगे उनसे आपका आंसर आएगा, और जो नीचे लिखा है ये छब्बीस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, 30-40% अगर समझ में आ गया, अभी धीरे धीरे आगे समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। अगर 30-40% भी आ रहा है तो समझिए आ जाएगा पक्का, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें उसी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अलग है, अब की बार ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस वाले स्टेप में भी आपका 3 प्लस हुआ है 2 प्लस हुआ है, यानी कि स्टेप दो ही है। लास्ट में वैल्यूज क्या लिखी है, बटे में 1 बटा 4, तो 1 लिखिए 4 लिखिए, एक और चार लिखा, स्टेप कितने, टू है, तो एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। पहले स्टेप में आपको तीन प्लस करना है यानी कि प्लस थ्री, और दूसरे स्टेप में आपको प्लस टू करना है तो प्लस टू। अब यहाँ पे देखिए प्लस थ्री का मतलब है दोस्तों, चार तिया बारह और एक तेरह, चार की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे और एक प्लस करेंगे तो कितना हो गया 13। फिर दूसरे स्टेप में आपका टू प्लस है तो इसका मतलब 13 टू जा 13 की मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 और 4 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा था, पहले जो ऊपर लिखा है उसको पहले नंबर पे लिखा था और जो नीचे लिखा उसको दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे जो पहले आया है लास्ट की दो से आपका आंसर बनेगा ना, तो पहले पे आपका 13 आएगा और दूसरे पे आपका 30 आ जाएगा, तो 13 बटे 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अभी और देखेंगे, अभी और भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे, लास्ट वाली सबसे पहले जो लास्ट में फ्रैक्शन लिखा है उसमें लिख लीजिए, वन और फाइव आपने लिख लिया, वन और फाइव लिख लिया। उसके बाद आप देखिए स्टेप कितने, वन टू थ्री, तीन स्टेप है, तो आपने लिखा वन टू थ्री, तीन स्टेप लिख लिए। उसके बाद दोस्तों तीन स्टेप लिखने के बाद में आप देखेंगे पहले स्टेप में आपका प्लस टू हो रहा है, दूसरे स्टेप में आपका प्लस वन हो रहा है, और तीसरे स्टेप में आपका प्लस थ्री हो रहा है। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाँच की मल्टीप्लाई दो में करेंगे और एक प्लस कर देंगे ग्यारह, फिर आप ग्यारह की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो ग्यारह और ग्यारह में पाँच प्लस कर देंगे, ग्यारह एक में एक की मल्टीप्लाई करेंगे एक में और फिर पाँच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर जो आया है आपका उसको पीछे वाले नंबर की प्लस करके लिखना होता है नेक्स्ट नंबर में। अगर कुछ ऊपर मैंने लिखा जैसे वन टू थ्री तो उसमें मल्टीप्लाई करनी होती है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 16। अब 16 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और यहाँ पे प्लस 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 59। तो यहाँ पे आपके लास्ट के दो नंबर कौन से आए, 16 और आपका 16 और 59। ठीक है, अब पहला नंबर क्या होता है, ऊपर आता है और दूसरे वाला नंबर नीचे आता है, तो 16/16/59। ठीक है भाई, तो 16/59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये राइट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, प्रैक्टिस से आएगा, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो फिर वो बात अलग है, बट अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप समझ भी गए तब भी प्रैक्टिस करिए, तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपने देखा होगा कि कितना लंबा लिखा है, ठीक है, तो हमें देखिए कितनी जल्दी कर लेंगे इसको सोल्व। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सभी प्लस में लिखे हैं, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, प्लस माइनस माइनस प्लस जब आते हैं प्लस 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 प्लस, तो ये तो और भी आसान है। देखिए आपको क्या करना है, लास्ट में क्या लिखा है, टू और थ्री लिखा है, 2/3 लिखा है फ्रैक्शन, तो टू लिखिए और थ्री लिखिए। अब स्टेप काउंट करिए कितने स्टेप हैं, स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव स्टेप है, और पाँच के पाँच स्टेप में कोई भी प्लस वन ही करना है, मतलब वन ही रहेगा, तो वन की तो मल्टीप्लाई आपकी वन ही, मतलब किसी की में भी करेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो आपको ऊपर वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने पाँच स्टेप लिख लिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लिखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, पहले नंबर को यानी कि जो दूसरे वाला नंबर है उसको पहले वाले में प्लस करना है, तो तीन और दो पाँच, अब पाँच में आप तीन को प्लस करेंगे तो आठ, आठ में फिर पाँच को प्लस करेंगे तेरह, तेरह में प्लस आठ करेंगे तो इक्कीस, इक्कीस में प्लस तेरह करेंगे तो चौंतीस, तो आपके लास्ट के दो नंबर कितने आ गए, इक्कीस और चौंतीस आ गए। पाँच स्टेप हमारे हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, हमारे फाइव स्टेप कंप्लीट। तो लास्ट के दो नंबर कौन से हैं, इक्कीस और चौंतीस, तो लिख दीजिए, ऊपर आपका इक्कीस आ जाएगा नीचे चौंतीस, तो 21/34 राइट आंसर। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, और देखते हैं, अब तो ऊपर देखा हमने क्या प्लस का था, अब की बार अगर माइनस का आ जाए, वन अपॉन में वन माइनस 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 वन अपॉन में फोर, लास्ट में क्या लिखा है, वन वन और फोर, तो आप क्या लिखेंगे, वन और फोर, 1/4 लिखा तो वन और फोर लिख लिया। अब स्टेप काउंट करिए कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर स्टेप है, वन टू थ्री फोर, आपने फोर स्टेप लिख लिया। अब देखिए माइनस है दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है तो माइनस होगा, जैसे ऊपर प्लस था तो हम प्लस कर रहे थे, तो चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तीन। ठीक है, अब तीन आपका आ गया, उसमें आप इससे ये इससे यानी कि थ्री में से फोर को माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा। भाई पहले वाले नंबर में से जब आप दूसरे मतलब पिछले वाले नंबर को, जो नंबर आपका आ गया उससे पिछले वाले नंबर को माइनस करेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। चार में से एक माइनस किया तीन आया, तीन में से माइनस चार करेंगे तो माइनस एक आएगा ना, और माइनस एक में से माइनस तीन करेंगे, देखिए माइनस एक में से माइनस तीन करेंगे तो दोस्तों माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस के चार आ जाएंगे, तो माइनस के चार। अब माइनस के चार में से दोस्तों माइनस का एक जब माइनस करेंगे तो माइनस का एक क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस के चार और यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो प्लस का एक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, माइनस के तीन बच जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस के तीन, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा आपका, माइनस के चार और माइनस के तीन, तो क्या लिखेंगे आप इसको, माइनस के चार बटे तीन, क्योंकि पहले आपका क्या आता है चार और फिर उसके नीचे तीन, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/3 इज द राइट आंसर। अब समझ में आ रहा है ना भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब, ट्रिक तो अच्छी है, ट्रिक समझ में भी आ जाएगी, तो इसका मतलब है आपको कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इससे अलग भी मेरे को वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे बताएंगे कि सर समझ में तो आ गया बट थोड़ा सा और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रैक्टिस और चाहिए, तो मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा। कल तो दूसरा सिंप्लीफिकेशन की वीडियो आएगी, बट इसका मैं कभी ना कभी एक दो दिन में ही एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, ट्रिक बहुत अच्छी है, इसे समझने की जरूरत है बस। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों, 1/3, तो 1 और 3 लिखा, स्टेप कितने, 1 2 3 4 5,
फाइव स्टेप है, अब की बार प्लस भी है और माइनस भी है, अब की बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, स्टेप कितने हैं, फाइव है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे सबसे पहले, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। पांच स्टेप में आपने ये काम करना है, आपने लिखा थ्री और वन, प्लस इसके ऊपर क्या प्लस, तो प्लस कर दीजिए चार, अब की बार माइनस है, चार में से तीन जाएंगे तो एक बच जाएगा, एक में फिर चार प्लस कर देंगे तो पाँच आ जाएगा, पाँच में से एक माइनस कर देंगे तो चार आ जाएगा, और चार में फिर पाँच प्लस कर देंगे तो नाइन आ जाएगा। तो दोस्तों लास्ट की क्या बच गए आपके, चार और नौ बच गए, तो चार और नौ क्या लिखेंगे, चार बटे नौ इज द राइट आंसर। तो प्लस और माइनस दोनों आ जाए तब भी टेंशन नहीं लेनी है, प्लस माइनस आ जाए, माइनस माइनस आ जाए, प्लस प्लस आ जाए, तो टेंशन नहीं लेनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो आंसर देखिए कितनी जल्दी आएगा, चार बटे नौ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही कुछ क्वेश्चंस थे, और मैं आपको बता देता हूँ देखिए मैंने कितने टाइप के क्वेश्चंस कराए, और एक रिवीजन सा भी दे देता हूँ। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट से कर रहे थे हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता है, या तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट ट्रिक क्या है हमारी, लास्ट का फ्रैक्शन देखिए क्या लिखा है, एक बटा तीन, तो एक और आठ लिखिए, और अगर आपका यहाँ पे वन प्लस 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 है ठीक, जब भी ठीक है, बट कोई वैल्यूज आपको दिखी है वन, अगर वन से बड़ी लिखी है, टू लिखी है, थ्री लिखी है, तो उसमें क्या करिए, प्लस वन और प्लस टू, और जो ऊपर उसके वैल्यू लिख दी हमने उसमें मल्टीप्लाई करके जब प्लस करिए, उसमें मल्टीप्लाई करके जब प्लस करिए, ठीक है। तो ये वाला था, एक दूसरा ये था लास्ट वाला, क्या लिखा है इसमें, एक बटा चार, तो एक और चार लिखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, चार प्लस थ्री है और माइनस सॉरी प्लस टू है, तो प्लस थ्री और प्लस टू लिखा है, तो चार थी अब बारह और एक तेरह, तेरह लिखा, और तेरह दूनी छब्बीस, छब्बीस और चार तीस, तो आपने तेरह बटे तीस। तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे फिर देखिए एक बार और इसको क्या करना है भाई, एक बटा पाँच, एक और पाँच लिख दिया, फिर क्या करना है इसमें, प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री करना है, प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री, तीन स्टेप है। तो आपने प्लस टू लिखा तो पाँच दूनी दस और एक ग्यारह, ग्यारह लिख दिया, ग्यारह कम ग्यारह और पाँच सोलह, सोलह दिया आपका हो जाएगा अड़तालीस, और अड़तालीस प्लस तीन कितना हो जाएगा, फिफ्टी नाइन, उनसठ, ठीक है। तो सोलह बटे उनसठ आपका राइट आंसर। फिर वैसे ही करना है, प्लस प्लस है ये तो और भी सिंपल हो जाता है, जिसमें आपका वन वन होता है, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कौन सा पड़ता है, जिसमें प्लस वन टू थ्री फोर आते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट यहाँ पे ये तो और भी सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा आपको वन सॉरी टू अपॉन थ्री लिखा था, तो टू और थ्री लिखना है बस, आपको पहले वाला यानी कि सेकेंड वाला पहले वाले में प्लस करते जाना है, तीन और दो पाँच, पाँच और तीन आठ, आठ और तीन सॉरी आठ और पाँच तेरह, तेरह और आठ इक्कीस, इक्कीस और तेरह चौंतीस, तो आपका इक्कीस बटे चौंतीस राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, अपने दोस्तों से भी करा देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलती रहे। और अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना है तो सौरभ मलिक 17 के सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।